सीन कुछ इस तरह है कि पठान आपको पता है इट्स बीन अ ब्लॉकबस्टर मूवी इन इंडिया एंड ओवरसीज एज वेल अब बहुत सारी मीम्स जो हैं वो बनना शुरू हो चुकी हैं पठान पर पठान की जो जो सीन्स हैं उसको लेकर सो वी नो वी नीड टू ने, अली ने <laughs> हर बात की बात रहा था जैसा मैं, मैं, ये मैं नहीं सुनूंगा दीपू के बारे में <laughs> ऐसी चलने नहीं चल सकेंगी <laughs> तो राजमार है शाहरुख शाहरुख हाँ हाँ। और डी ना you know, जो इीगल करने सेठान चार सौ करोड़ इन फोर डेज मैं खुद बॉलीवुड हूँ अच्छा तो वो था सुसु रोक रोक कर सारी रात बात किया करते थे उससे शादी तो ना हुई टू लॉलीपॉप यू आर वाचिंग लाइफस्टाइल मेरा नाम है वकास कासब इबराना मेरे साथ मौजूद हैं कैसर खान और अली वारसी सीन कुछ इस तरह है कि पठान आपको पता है अ ब्लॉकबस्टर मूवी इन इंडिया एंड ओवरसीज एज वेल अब

हुई तो इस तरह तो देखो किसी को स्टिल कर लो और फिर उसमें कुछ भी एंगल निकाल लो ये उसके स्टेप उसका स्टेप लगाए ना साथ उसमें कौन इस तरह चप्पल ढूंढते भाई <laughs> ये तो देखे ना अब इस तरह तो दीपिका के बारे में बकवास मैं नहीं सुनूंगा आई थिंक जो ये जो ये <laughs> सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ना उनकी एडवोकेसी ना किसी ने नहीं की होगी मैं कहता हूँ इस इस गाने के लिए ना आपको हायर करना चाहिए था बेशरम रंग के वो जो वो चली थी ना एक कंट्रोवर्सी हाँ, आप अच्छे से सैफ्रॉन कलर वाली, कलर वाली। हाँ, आप जो है तो जज साहब को चुप करा देना था जज साहब भी बैठ के उधर यही देख रहे होते कि कर क्या रहे अली ने अली ने हर बात की बात कह रहा था जज साहब मैं मैं ये नहीं सुनूंगा दीपू के बारे में <laughs> नहीं चल सकेंगी. <laughs> <laughs> आपने एक शब्द भी और बोला मेरी दीपू के बारे में अच्छा जज जज साहब सब सबसे पहले बात साथ साथ नहीं। 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 मैं तो तो ये 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 और मैं <laughs> मैं मैं इंसाफ कानून को आपसे ज़्यादा अगर मुझे मुझे भी लगा लगा दे दे ने कह रहा भाई

चो, चोपड़ा और शाहरुख खान जो है ना इनकी जोड़ी गई मैं आपको बताता हूँ फिल्म कौन कौन सी है हुँ. पहली फिल्म है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मतलब एक मेटिनी शो था मराठा मंदिर स्टेडियम मुंबई में मगर 20 साल तक वो सिनेमा में लगी रही रिकॉर्ड है उसका दूसरी फिल्म थी इन दोनों के आ, की इकट्ठे मोहब्बतें व्हिच डिड अगेन सुपर हिट ऑन द ऑन द फैबुलस और फिर तीसरी फिल्म थी इनकी इकट्ठे रब ने बना दी जोड़ी hmm. और चौथी फिल्म जहाँ तक मेरा ख्याल है अनलेस आई डोंट रिमेंबर दिलवाले किसने बनाई हुई है

बीवी के पास चला जाता है शोर बन के जब उतारता है, तो है वहां पर नहीं नहीं मतलब इस तरह की चीज़ें आप निकाल सकते हैं, के अंदर भी पैसा अली, पैसा।, जितना पैसा, मनी। जितना पैसा इन्होंने कमाया है, हाँ। ब्रेकिंग ने इसी तरह yes. जिस तरह से वो कुकेन बेच नो ये वाला सीन ना मतलब एक दुकान ली थी ना किराये पर जहाँ स्टोरेज थी तो वो उस पर यही बात हो रही होती

तो गुड़ है तो फिर आप जो है नशा बनाना शुरू कर दो ये सारे नशे यही कहते हैं हम थोड़ी बैठे हैं हम हां तो इसलिए तो ही बेचते हैं चर्च हमारे ख्याल में हमारे पास इतने गुड एट अब मतलब नया दौर मैंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए मगर मेरे मैं जा ही नहीं सकता छोड़ के <laughs> इंप्रेसिव ये सुन लिया ना एफबीआर वालों ने कि नया दौर ने इतने पैसे इकट्ठे उन्होंने मुझे यकीन करना <laughs> मैंने <laughs> उन्होंने भी उन्होंने भी यही कहना है एफबीआर वालों ने झूठ बोल रहा है <laughs> <laughs> उन्होंने कहा इसके रिटर्न्स निकालो हां सही ये इतने नहीं है इसके पास <laughs> वो भी बिल नहीं ओके सो यू नो अब एक पूरा सीन चल रहा है कि बॉयकॉट गैंग एंटरिंग थिएटर्स टू वॉच पठान <laughs> सर पर पतीले <laughs> रखे हुए हल हैं हलचल हल का सीन हल है हलचल का होता सारे बाप बेटे सीन है फिर यार वो भी का एंड ऑफ कोर्स वाओ बॉयकॉट गैंग भाग सो so, ये तो बहुत बड़ी वैसे वैसे ये क्या बातें करते होंगे जब ये मिलते होंगे आपस में बॉयकॉट गैंग वाले बॉयज जो हैं वो बैठते होंगे वो आप जाकर देखे ना ट्वीट्स देखे इन लोगों की तो आपको नजर आएगा वो कह रहे हैं ह्यूज फ्लॉप

करने वाले वो ऐसे भी करते हैं उनको तो, तो ब... तरफ से हालांकि हाँ। 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 हकीकत ये है कि मौत का फरिश्ता मार दिया है शाहरुख ने शाहरुख ने पठान के थ्रू पठान के थ्रू वो मौत का फरिश्ता हाँ। मीम और, वाला भाई और सबसे ज्यादा फायदा ही इसका जो है तो डंकी को होना है

अच्छा यू you नो know, शाहरुख ने शाहरुख कभी कभी बड़ा बोल भी बोलता है वो अभी आनंद जो डायरेक्टर उसके साथ भी वो बात हो रही थी तो उसने कहा पहले मेरी इतना लेवल नहीं था कि मैं शायद शाहरुख के साथ इस तरह की फिल्म बना सकता तो कोई अच्छा टॉपिक भी नहीं मिला तो शाहरुख वाज लाइक बेटर अभी भी लेवल नहीं है लेकिन देखिए ना बात यह कि वो कहते थे ना मोहम्मद अली बहुत बोलता था हाँ। तो मगर बात ये जीतता भी था ठीक है ना बोले बंदा और फिर वो हो ना, हाँ। तो वो वो हाँ। होना तो वो वो पाकिस्तान अच्छा, जो, जो जो हाँ। का नंबर वन एंकर हमारे साथ आ गया में नंबर वन है वो शाहरुख की जो बात है ना मैं खुद बॉलीवुड हूँ ये एक फलसफा है इसमें ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बड़ा बोल है बात यह है कि आज से बीस पच्चीस साल पीछे तीस साल पीछे जब आप जाएंगे तो hmm. बॉलीवुड का जो स्कोप है hmm. उसको इंटरनेशनलाइज करने वाला उसको ग्लोबल yes. लेवल पर लेकर जाने वाला एन आर आई मतलब वो एक कॉन्सेप्ट भी मतलब इतफाक है कि शाहरुख उस वक्त सबसे बड़ा स्टार था और इंडियंस uh, जो मतलब ओवरसीज इंडियंस हैं नॉन रिटर्निंग इंडियंस एन आर आई जिनको कहते हैं उनको गवर्नमेंट भी जो है वो मतलब उनको लेकर आना चाहते थे फॉरेन रेमिटेंसेस वगैरह के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट उनके भी होते थे तो उसमें uh, फिर शाहरुख जो है वो ओवरसीज का हीरो भी था और लोकल हीरो भी था तो उस जमाने में जो मतलब उसकी फिल्म्स हैं आ, वीर ज़ारा हो गई स्वादेश स्पेशली स्पेशली mm. स्वादेश माय नेम इज खान वो सब फिल्म्स जो हैं वो कैटर करती हैं ओवरसीज इंडियन ऑडियंस को और टू सर्टेन एक्सटेंट पाकिस्तान ऑडियंस को यस एंड व्हिच इज व्हाई फॉर एग्जांपल कभी अलविदा ना कहना mm. वो इंडियंस हैं मगर दे ऑल लिव अब्रॉड माय नेम इज खान में दे आर इन अमेरिका Uh, स्वदेश में ही इज़ ए नॉन रिटर्निंग इंडियन हिमसेल्फ वीर ज़ारा में पाकिस्तान जाता है और मतलब ऑब्वियसली देसी ऑडियंस सारी की सारी कवर हो रही है एंड देन ऑफ़ कोर्स देवदास और वो सारी फिल्म्स जो हैं वो इस चीज़ को माइंड में रखकर डिज़ाइन की गई थी कि हमने uh, मैं हूँ ना uh, कल होना हो मैं कनाडा में बनी hmm. तो वो ओवरसीज़ का uh, हीरो जो है तो उसने इंडियन uh, सिनेमा को इंटरनेशनलाइज uh, international करने में शाहरुख का एक रोल है और जो पैसा आया यानी मुझे याद है कि जब मोहब्बतें साइन की थी तो आई रेड समवेयर के आठ करोड़ रुपए में की थी एंड लुक एट द नंबर्स दैट दे आर गेटिंग नाउ और भी एक आ जाता है कि शाहरुख ने पांच फिल्में साइन की थी यशराज बैनर्स की जिसमें से लिखा गया था कि ये मोहब्बतें की साइनिंग अमाउंट है लेकिन

एंड ऐश्वेरिया सेट के अगर इस फिल्म को दो लैंग्वेजेज में बनाना है I, तो तीन करोड़ होना चाहिए अब टू थाउजेंड फाइव की फिल्म है और ऐश्वर्या राय है एंड शीज शी वॉज एक्चुअली शोन द डोर के मंगल पाने में फिर उसका जो रोल था वो अमिशा पटेल ने किया mm. uh, या रानी मुखर्जी ने किया में से किसी एक कि ने मुझे याद नहीं कौन सा रोल था वो बट दिंग इज दैट दिस इज हाउ लो द बजट वैक बट शाहरुख अभी शाहरुख तो मतलब शाहरुख तो फेर रहा होगा ना मतलब अपने घर में भी अपुन <laughs> तो को, को अपु है ना, तो वो कुछ भी अभी सोच आप देखे जो कुछ भी कर सकता है शाहरुख को संभाल के रखना चाहिए जो ये कह रहे हैं इंटरनेशनल फेम की उसकी बात कर रहे हैं ये चीज मैंने ऑनलाइन देखी है ना सोशल मीडिया के ऊपर जो लड़कियां खासकर अरबी लड़कियां टर्किश लड़कियां फिर सेंट्रल एशिया के अंदर फिर यूरोप के अंदर अमेरिका के अंदर बेहिसाब लोग हैं जो बैठ के सिर्फ शाहरुख के कॉन्टेंट पर रिएक्ट कर रहे होते हैं पे और एजिप्षन, एक, एक एजिप्षन, कतरीज और वो उनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या बोल रहे हैं लेकिन हाँ। जैसे जो अरेबिक मूवीज है ना मतलब डब्ड मूवीज बॉलीवुड की दुण दुण वो हर वक्त चल रही होती चैनल्स जहाँ पर सिर्फ बॉलीवुड की से आ रही होती हैं और उनकी डबिंग हुई होती है तो और ये शाहरुख के ही ये वो है इसमें सबसे बड़ा रोल लोग आज कुछ भी बात कर सकते हैं मतलब उसके लिए बकवास बहुत सारी जो है वो होती है Uh, वो आप देखते हैं डिजिटल मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया पर ट्विटर के बॉय गैंग वगैरह जो कुछ कह रहा है शाहरुख के बारे में जो बात करते हैं दे हैव नो आइडिया अभी हमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं जो तुम इसलिए शाहरुख के फैंस हो बिकॉज इज़ अ मुस्लिम ये 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 फजूलियात और वाहियात बातें जो हैं वो उसका कोई मतलब कोई हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है तो थिंग इज शाहरुख इज़ बॉलीवुड और वो तो देखें सेकुलरिज्म की एक मिसाल है अपने घर के अंदर हाँ बिल्कुल है आई मीन आई नो नहीं और यार खास कर सर्दियों में थैंक यू सर्दियों तो, में प्रॉब्लम होती है। a, allergy, और, में और मुझे तो वैसे ही है

तो वो तुम तो सलूट करते होगे ये जो <laughs> मैं स्किन करती <laughs> ये जो इसमें उन्होंने बात लिखी है ना कि माय ऑर्गन्स व्हेन आई फिनिश एन एंटायर ग्लास ऑफ वाटर इसी से यू रिलेटेड मुझे ना एक मीम आई हुई थी ग्रुप में तो वो था सुसु रोक रोक कर सारी रात बात किया करते थे उससे शादी तो ना हुई पथरी हो गई <laughs>